एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफ विद मी। मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, अमेजोन से मैंने कुछ रेडीमेड ब्लाउजेज मंगवा रखे थे पहले से भी, तो मैं उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और एक मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया है, तो मैं उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, मुझे कैसा मिला है कैसा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और झट से ब्लाउजेज दिखाती हूँ मैं आपको, जिसमें से मैंने एक ब्लाउज तो पहना है, बाकी मैंने अभी तक पहना नहीं है। हाँ, अब मैं पहन सकती हूँ उसको। और सबसे पहले, लंबा नहीं वीडियो होगा, बहुत छोटा सा ही होगा, क्योंकि सिंपल सी तीन ब्लाउजेज हैं मेरे पास। पहला तो ये है जिसको मैंने तीन बार आई थिंक पहन लिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। आपको मैं इसको पास से दिखाती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। इसकी जो ये वर्क है ना, वो बहुत अच्छा, बहुत ये इसकी बाजू है, इसकी स्लीव्स है, तो इसकी जो इस वर्क हो रखा है वो बहुत ज़्यादा सीक्वेंस में बहुत अच्छा वर्क हो रखा है, कोई चुभने वाला वर्क नहीं है। और ये पैडेड ब्लाउजेज है, ये अंदर से पैडेड है, बट इसका जो पैड है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, आप इसको पहन सकते हो, पहनने पे ज़्यादा फील भी नहीं आता, बहुत अच्छा लगता है। और ये आई थिंक, मुझे इसका प्राइस ध्यान नहीं है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कितने का है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ये एक्चुअली ये फ्रंट है इसका, और ये इसके बैक पे, इसको बैक पे हुक दिया हुआ है, और इसका जो बैक है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं, बहुत पतला सा है, काफ़ी अच्छा सा है इस, मतलब मैं जो ब्लाउजेस पहनती हूँ बहुत डीप गला बैक से, मैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं पहनती हूँ, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा ब्लाउज है। और इसका कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी तक मैंने इसको वॉश नहीं किया एक बार भी, क्योंकि ये आई थिंक ड्राई क्लीन है, तो मैं इसको घर पर तो नहीं वॉश करूँगी, अदरवाइज ये ख़राब हो जाएगा। एटलीस्ट एक से दो बार ड्राई क्लीन कराने के बाद मैं एक बार को घर पे इजी से वॉश कर सकती हूँ। एनीवे, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें का सेम मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी लिया था, तो उसको भी बहुत पसंद आया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। इसको लिए हुए मुझे, हाँ, अप्रैल 2019 में मैंने ये ब्लाउज लिया हुआ था, तो मतलब 2 साल हो गया, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत। सेकेंड ब्लाउज जो है ना वो ग्रीन कलर का है, थोड़ा सा हैवी है, मतलब ये इसका भी मैंने देखा था, बहुत से लोगों ने बाय किया हुआ था, इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा था। थोड़े से मोटे कपड़े में है, गर्मी के लिए थोड़ा सा गर्मी करेगा, अदरवाइज ये बहुत अच्छा है। इसका बैक ऐसा है, बैक और इसकी भी बाजू उतनी ही है, मुझे उतना ही चाहिए था। लेकिन हाँ, इसके अंदर जो ये पैड कप लगा हुआ है ये बहुत हैवी है, तो मैं इसको निकलवा दूँगी। आप चाहो तो इसके साथ पहन सकते हो, बट पहनने पे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा, मैं इसको ट्राई किया था तो ये बहुत अच्छा है। और इसका जो कपड़ा है थोड़ा सा मोटा है, बट इसकी कढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। ये एक्चुअली पहनने पे, अगर पीछे के साइड से ना फ्री साइज आता है, एक्चुअली आप इसको पीछे के साइड से जब इसको पहनते हैं तो ये जो गले पे सेट, पीछे पे आपके बैक पे ये सेट होता है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको आप ग्रीन कलर की साड़ी के साथ, मल्टी कलर की साड़ी, एक्चुअली मैं जो साड़ी पहनी हुई है इसके साथ भी ब्लाउज जा सकता है अगर मैं चाहूँ तो, बट ठीक है, सिल्क वगैरह के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसका प्राइस 700 या 800 के अराउंड था, बट ये बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसको मैंने करवा चौथ पे बाय किया था, बट मैं पहन नहीं पाई थी, मुझे थोड़ा लेट डिलीवरी नहीं हुई थी, मैंने लेट ऑर्डर किया था, तो इसलिए मैं पहन नहीं पाई थी, ये इसी साल ख़रीदा था। और अब देखती हूँ मैं इसको कब पहनती हूँ, जब भी पहन। नेक्स्ट ब्लाउज जो है वो मैंने अभी रिसेंटली, मतलब कल परसों में मुझे रिसीव हुआ, वो ये है, और ये करेंटली मेरा मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट। आपको मैं दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो बहुत प्यारा है। इसका भी ये कपड़ा ना सिल्क के कपड़े में है, एक्चुअली सिल्क या बनारसी आप कह सकते हो, ये उस कपड़े में है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको फ्रंट पे ना, फ्रंट में है इसको ओपन, और फ्रंट में ओपन है, बैक इसकी ऐसी है, गला बहुत प्यारा है। अब वर्क जो है ना इसका, सारा धागे का वर्क है, कुछ भी ऐसे निकलने वाला नहीं है, धागे का वर्क है, और आप साइन देख सकते हो कपड़े की, बहुत अच्छी है। इसके भी पैड ना बहुत नॉर्मल से हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो इसके साथ आप इसको वेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप ना, जैसे ये जो बैक है ना ये काफ़ी बड़ी है, ये इसका ये बड़ा है, बट इसके जो नीचे का पार्ट आ रहा है, दिख नहीं रहा एक्चुअली, हाँ ये जो नीचे का पार्ट आ रहा है ये भी काफ़ी लंबा है, तो पहनने पे ना ये बहुत प्रिटी लगता है। इवन आप इसको किसी लहंगे के साथ कंपेयर कर सकते हो, जो स्कर्ट्स आती हैं आजकल, आप उसको लेके और उसके साथ एक दुपट्टा करके पेयर, आप बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। तो ये ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। इसको आई थिंक मैं पहनने वाली हूँ जल्दी, अभी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तीज आ रहा है एक्चुअली,
तीज के बाद चौथ आ रही है, एक्चुअली एक चौथ 25 अगस्त को चौथ आ रही है, तो मैं किसी में जरूर इनमें से कोई एक ब्लाउज पहनूंगी। तो ये ब्लाउज बहुत 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 प्यारा है। ये थोड़ा सा महंगा है, इन दोनों ब्लाउजेस से ये महंगा, ये है 1000 के अराउंड का है, 900 समथिंग का, बट बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप मार्केट में ऐसे कपड़ा खरीद के सिलाने जाओगे तो हाँ हो सकता है 100 रुपये 150 रुपये का आपको फर्क पड़ जाए, बट होता है ना कि अभी फिर उसके लिए मुझे स्पेशली एक दिन निकाल के जाना पड़ता, फिर आना पड़ता, बहुत सारे मतलब वो नंबर से नंबर काम होते हैं तो आप नहीं जा पाते हो। इवन मेरे पास बेबी है तो उसको लेके तो इस माहौल में तो आप नहीं जा सकते, तो इसलिए फिर मैंने इसको बाई कर लिया और ये बहुत प्यारा है। नेक्स्ट जो है वो सिंपल सा ब्लाउज है, और इसको भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, मैं इसका लिंक दे दूंगी। सानू के टाइम पे मैंने इसको ऑर्डर किया था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था, तो मुझे मेरे कपड़े आ नहीं रहे थे, तब मैंने लिया था। और ये है तो प्लेन, बहुत सिंपल सा है, प्लेन है, बट ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है आपके लिए। आप इसको कभी भी मतलब पूरे दिन पहन के रह सकते हो। ये बिल्कुल मतलब इतना सॉफ्ट है ना, ये मैंने इसके 3 पीस लिए थे, एक रेड, गोल्डन और ब्लैक लिया था। ब्लैक जिसमें बिल्कुल डिफरेंट था, बहुत अच्छा है वो, मतलब उसमें थोड़ा सा वर्क है बैक पे, और उसकी कढ़ाई बहुत सुंदर है, उसके डिज़ाइन बहुत सुंदर है। वो एक्चुअली अभी मेरे पास है नहीं, करंट पे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने नहीं दिखाया, काफ़ी पुराना हो गया है, बट ये था, इसका भी लिंक है। ये बहुत स्ट्रेचबल है एक्चुअली, बट हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत प्रिटी है, मतलब प्रिटी इन द सेंस कहने का है कि ये काफ़ी यूजफुल है। ये आप जो बाकी के मैंने दिखाए ना, इनको आप ओकेजनली ही पहन सकते हो, आप ऐसे घर में पहन के नहीं घूम सकते, बट हाँ यहाँ पे घर में पहन के घूम सकते हो, इजीली घूम सकते हो, किसी भी साड़ी के साथ ये चला जाता है। मतलब से मैंने ये साड़ी पहनी है, मुझे ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, और ये तो गर्मी है, तो आप इस ब्लाउज के साथ भी इसको पेयर कर सकते हो, ये नो डाउट बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ। तो बस ये वाला ब्लाउज है, इसका ये था आई थिंक शायद 250, हाँ 250 या ऐसे कुछ का इसका रेट है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। दैट्स इट, यही था आज का ब्लॉग का वीडियो, इतनी यही था, मैंने यही लिया हुआ था तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसे कि मैं अपने रेडीमेड ब्लाउजेस को दिखाऊं, बट मैं नहीं दिखा पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था, तो बट हाँ आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा एक बार को मैं आपके साथ ट्राई दिखाई देती हूँ। और ये एक्चुअली इसके हुक ना कुछ इस टाइप से हैं, इस टाइप से, ये आप देख सकते हो, और ये इनके, इसका और इसका इस टाइप से है, इसका कुछ अलग है। इसके पे ब्लाउज पे ना आपके कपड़े में ही ये ना एक डिजाइन सी बनी हुई है, इसमें हुक करना है, इसको टैग करना है, अलग से नहीं है इसमें, वो जो धागे का लगता है ना वो नहीं लगा इसमें, धागे का या स्टील का। तो दैट्स इट, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। बहुत